रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और खुदा की तुम कौन कौन सी नियामतों को झुठला होंगे। चलो अब इसके अंदर आग लगाओ, उसको तेज के साथ में काटो, उसको नाला खून। उसको तेज से मार के जलाओ जलाओ जलाओ, तेज से आग लगाओ उसके अंदर, खतरा उसको तेजी से। पूरा चीर दूं? हाँ, जबान से बोल, चीर दूं पूरा? लगा पूरी ताकत कितने चीर दूं, पूरा चीर दूंगा। और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठला होंगे। अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए मूंगा और मोती है, मैंने नियामत बनाया है, जकड़ो उसको, मार दे रहा होते हैं इसे। ऐसा है, सबके पास इल्म नहीं देता अल्लाह, हर चीज में अलग अलग इल्म रखा है अल्लाह ने, सारे इल्म से वाकिफ करा और अपने चुनिंदा बंदों को सब इल्म से वाकिफ करा है। हां, उसको और तेज से काट रहा हूं, उसको तेज के साथ में, और ये पत्थर से उसको रोज करण देते रहो उसको नाला आपको। और दिन उसको थोड़ा करण और दो उसको नाला आपको। और करण दो उसको नाला को तेज के साथ में।
काट लेंगे उसका ये हाथ तेज के साथ में। लगा लगा कुछ ताकत लगा। मारते रहो उसको तेजी से और उसकी सारी दवा निकालते रहो और उसको हर मास पूनम में करण देते रहो नाला कर उसको हर हफ्ते मंगल को। अब ये पत्थर उसके उंगली में बना के पहनाओ, ये उंगली में तो गले में, और हर नमाज के बाद में पत्थर पे 7 बार अतल कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल पढ़ के दम कर पहनना। सात बार अतल कुर्सी, 7-7 बार मुंह पे मत मार के इसके कैमरा भी, 7 बार अतल कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल पढ़ के दम करते रहो पत्थर पे। एक तो ये उंगली में पहनाओ या गले में पहनाओ। पानी और पिलाओ सबको। हर चीज का अल्लाह ने लिए सब दास्तान है बहुत सारा। खिंचो बाहर, खिंचो उसकी सारी दवा। पिलाओ अंदर से आग लगा दे उसको, पिला पिला के पिलाओ उसको। देखो पत्थर में इसी बात, अल्लाह ने हर चीज में अलग अलग तासीर रखे। अल्लाह सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, हमने मूंगा और मोती तुम्हारे वास्ते नियामत बना लिए, सब चीजें अल्लाह की नियामत है, और तुम खुदा की नालायक हो, बेवकूफ हो, पढ़े लिखे अनपढ़ो, गवारो, कौन कौन सी नियामतों का अल्लाह भी लुटलाओगे। देखे पत्थर में भी पढ़ के तासीर पैदा करना पड़ता वैसा, के कैसी मार पड़ रही, कैसा शैतान को टच करते कैसा चीर रहा हो वैसा, तो तुमको वो भी तो इल्म आना ना, तुम लोगों को पता होना ना उसमें कैसी ताकत है, उसको कैसा यूज करना, ये सब की बस की बात नहीं है। कैसा मार पड़ रही थी उसको, जैसे जैसे पढ़ के लगा रहे थे तो वैसी दास्तान थी, सबके अलग अलग निजाम। खिंचो खिंचो और तेज़ से उसको। क्या निकल रहा, निकलते टाइम में ध्यान पट रही इधर उसले को समर। खिंचो उसके पेट में से और तेज से। खिंचो उसके पेट में से आग लगा के। अब तो उसको पत्थर पिला दो, उसको रोज चूर के देते रहो उसको पत्थर से, अंदर जाके उसको मारो नाला को, चीरते रहो, चीर चीर के दो टुकड़े करके फेंक देना उसके बाद में।
चलो खींच के उसी सारी दवा बाहर लाओ, नाला के उसको मार मार के खत्म कर दो। खिलाया वाली दास्तान है, सिर की लगा वाला जादू डोना अलग रहता, खिलाया वाला अलग रहता, सब में अलग अलग तासीर, सब में अलग अलग बातें रखे अल्लाह ने, सब वैसे निज़ाम अलग अलग दास्तान है, हर चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से काटने के तरीके है और भी बहुत सारी बातें, मगर इन सब के ऊपर आबिज, इन सब के ऊपर सबसे ताकतवर चीज़ है अल्लाह का कलाम इलाही। कलाम इलाही की रस्सी मजबूती से थामो, नमाज कुरान हदीस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ये सब चीज़ों की कोई औकात नहीं, नमाज हदीस कुरान ये सब चीज़ों के सामने तुम मुसलसल इबादत करने वाले बन जाएंगे कंटिन्यू में, और तुम्हारी जबान में वो तासीर पैदा होगा, तो फिर ये सब चीज़ें तुम पे कार नहीं करेंगी और करने वाले को भी मार पड़ेंगी जो भी तुम पे जादू टोना करने की भी सोचेंगा तो। और तुम अगर ऐसा लाइट लेंगे, टेक इजी लेंगे, वक्त पढ़ने पर इबादत करने जाएंगे, जादू टोना चलने के बाद इबादत करने जाएंगे, तो तुमको जादू टोना चलने के बाद इबादत का मौका नहीं मिलने देते, बलाएं जाने नहीं देते उधर, तुम आपको खींच कर डाल देगा घबराहट बेचैन करा के। इसलिए पहले से ही इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और देखो अल्लाह ने कौन कौन सी नियामतें कैसी कैसी तुम्हारे लिए रखा, उसके फायदे उठाओ। ऐसा नहीं कि जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, खैर में सुनने से ज्यादा सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। दम करके लो, पानी पिलाओ और तो ऐसी बातें, ऐसे दास्तान रहते, ये सब इबादत के रस्सी को तुम लोग मजबूती से थामेंगे तो महफूज रहेंगे। अभी देखा ना कैसे कैसे चमत्कार है, कैसे कैसे दास्तान है, पत्थर भी है तो मामूली चीज है, उसमें क्या वो थोड़ी है, उसमें पढ़ने के बाद अल्लाह के कलाम से वो जबान भी होना कि उसमें तासीर उतार देने वाली, कैसा तासीर उतारा उन्होंने पत्थर के अंदर, कहीं मार बैठ पत्थर लगा दे तो ऐसा रखा, दूसरा भी पत्थर ऐसा आधा लेके लगाओ कुछ भी नहीं, शैतान नाचेगा, मगर पढ़ने के बाद वो तासीर भी तो होना ना, मतलब तुम्हारे जबान में कि पत्थर में भी अल्लाह ने मुंह दे देना ताकत फिर वैसी तुम्हारे जबान की बरकत से ऐसे। तो मैं ये लाइव में प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, लोगों का कोई कहानी या किस्से नहीं सुना रहा हूँ, इसलिए ये सब बातों जैसा पानी पे दम करते इसका सब चिलाते निकल रहे सब चीज़ा, तो ये सब अमला करेंगे, इबादत करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो महफूज रहेंगे दुनिया में सब चीज़ों से, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। क्या बोलूँ मैं, रमजानों में भी ऐसे दास्तानें चल रहे, रमजानों में भी ऐसे एक दूसरे को जादू टोने कर रहे, कुछ दूसरी बातें हैं, अरे सड़कें मरेंगे कमबख्तों, शर्म करो एक दूसरे को जादू टोने करने वालों, इबादत करो ज्यादा से ज्यादा। इबादत के महीनों में तो तुम इबादत नहीं कर रहे, तो तुम आम दिनों में क्या इबादत करेंगे कमबख्तों, क्या बना तुम्हारे लोग। तेजी से खींचो उसके अंदर से, खींचो उसको अब जला कर चीर करो अंदर से। चीर तेरा उसको नाला को खत्म कर दो। तो ऐसे दास्तान रहता है, सब अल्लाह के कला की रस्सी को मजबूती से थामो और अल्लाह को कहने सुनने ज्यादा मन कर लिखो तो मुझे थैली तरह मार कितना निकलाओ। चलो रोक दो इधर लाने पे, रोक से कैमरे को।